अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आज हम जो है मीठे चावल बनाएंगे, इसके साथ साथ शरबत भी रख देंगे, ऐसे चावल बनेंगे। चले फिर बनाना शुरू करते हैं। गुड़ के चावल बन रहे हैं आज। इसके लिए मुझे जो है एक कप जो है गुड़ मैंने इसमें डाला है। तो पानी पहले बना लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें एक कप दूध डाल देंगे, छोटा सा कप। आप पानी भी डाल सकते हैं, मैं दूध डालूंगी। और इसको जो है बहुत ही हल्की फ्लेम पे, ज़रा सा इसमें बबल आ जाएंगे ना, तो इसको मैं बहुत हल्की फ्लेम पे रखूंगी। इसको 15 मिनट लगेंगे इस गुड़ को बॉयल होने में। फिर इसके बाद जो है हम चावलों का करेंगे। रहमान ने हमारे गुड़ के चावल के लिए मैंने एक कप चावल जो है इसको धो के, 3 दफ़ा धो के, फिर 1 घंटा भिगो के रख दिया था। इसका पानी निकाल लिया, 1 घंटा हो गया। तो इस चूल्हे पर मैंने पानी को गर्म रख लिया। ये बॉयल पानी में अब इस चावल को मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चावल को हमें पूरा पकाना है, बिरयानी की तरह हमें 80% नहीं पकाना, हमें इसको पूरा बॉयल कर लेना है। तो इसको, लेकिन इसको जो है 5 से 6 मिनट लगेंगे, पानी बॉयल हो चुका है। इसको मुझे यहीं पर रह के चलाना होगा ताकि चावल बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा तो वो मलीदा मलीदा जैसा हो जाएगा। अगर कम पका हुआ होगा तो वो खाने में उसको कभी भी हम सही नहीं कर सकेंगे। इसलिए मुझे बॉयल करने के लिए इसके पास ही रहना पड़ेगा, जो कि 5 से 6 मिनट लगेंगे। पानी गर्म हो चुका है, ये चावल बॉयल हो रहा है। फिर इसके बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने जब ये गुड़ के चावल बना रहे, इसके लिए मैं 1 कप घी चाहिए, तो मैंने 1/2 कप अभी डाल रही हूँ। ये देसी घी है, आप जो भी घी डालना चाहें डाल सकते हैं, डालना भी चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ज़रा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें 3 इलायचियाँ कार्डियम जो है इसको छिलके समेत डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जो है मैं ये सिनेमन का पीस जो है, एक ज़रा सा बड़ा 1/2 इंच का टुकड़ा था, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, वो इसमें डाल देती हूँ। और 2 लौंगे डाल रही हूँ इसके अंदर, ये चली गई। इसके अंदर मैं ये सौंफ भी डाल दूँगी, 1 टीस्पून, ज़रा सा गर्म हो जाएगा तो सौंफ डालूँगी। ये भी चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ज़रा सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम अपना आगे का प्रोसीजर आपको बताते। बस इतना। अब जो है मुझे जो है मेरे पास ये खोपरा है, 1 टीस्पून छोटे छोटे पीस वो भी इसमें डाल देते हैं ताकि उसमें ये भुन जाए। छोटे छोटे पीस करके रखे हैं इसमें। अब जो है मैं इसमें इस सर में मैंने गोंद का पानी जो बनाया था, 1 कप गुड़ इसको करके रखा था ना, इसका जो इसको छान लिया था। छानने के बाद ये उसमें डाल रही हूँ। जब इसमें बबल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसमें हम अपने चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान करके अपने चावल डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह, ये चावल बॉयल किए हुए हैं, ये सारे इसमें चले गए। इसको जो है मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलाती हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे 6 से 7 मिनट तक, लेकिन मुझे अराउंड यहीं पे रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो ये पक के तैयार हो जाएगा, फिर इसको हम दम पे रखेंगे। फिर मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह से मिला लूँ ताकि सारा गुड़ जो है इसमें मिक्स हो जाए। इसी टाइम पर हमने जो है, हमारे पास ये मेवा है, ये बादाम पिस्ते जो है वो भी इसमें डाल देती हूँ ताकि ये पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास थोड़े से 1 स्पून काजू है वो भी चला गया, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। अभी इसको हमने पकने देना है।
ये चावल बासमती है माशाल्लाह से, और देखें बहुत अच्छा मज़े का गुड़ वाला चावल बनेगा। ये अच्छी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करना ज़रूर। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और फिर इसके बाद किया भी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, और हमारे लिए जो है दुआएं करना। हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे, और आपको भी थोड़ी देर में जो है 6 से 7 मिनट के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। ये चावल बिल्कुल रेडी हो गए माशाल्लाह से, देखें ज़रा भी नहीं टूटे, और इसमें सारा मेवा भी चला गया है, बहुत दम पे भी आ गया है, बहुत अच्छा हो गया। इसको जो है इसी तरह से रखे, फिर हम जो है क्या करेंगे इसको बंद कर देंगे। चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, फिर इसको जब थोड़ी सी देर के लिए मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है, इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको ढक के रख दूंगी, तो ये अपनी स्टीम में और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको प्लेटर में डालेंगे और जब थोड़ा सा मेवा ऊपर छिड़क देंगे, थोड़ा इसमें डाल दिया है, तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। गुड़ के चावल हैं, बहुत मज़े के हैं, बनाना इसको खा के देखना। फिर रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। हम अभी आपको प्लेटर में बना के दिखाएंगे 5-10 मिनट के बाद। माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया, अब मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने खिले खिले मज़े के चावल हैं, इसको ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत मज़े की, बहुत आसान, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। और इसमें जो मैंने हर्ब भी डाले हुए हैं के सामने माशाल्लाह से देखें, और 1 कप चावल है, 1 कप ये चावल है, इसको देखें इतने सारे लोग माशाल्लाह खा सकेंगे। ये मैं फिर ऊपर भी थोड़ा सा मेवा डाल देती हूँ, वैसे अंदर सारा ही डाल दिया है, ऊपर थोड़ा सा मेवा छिड़क देती हूँ, और ऊपर ये ड्राई खोपरा भी बहुत मज़े का लगता है, और ये इसमें थोड़े से बादाम जो है ये क्रश किए हुए वो भी डाल देती हूँ। इसको आप ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, मैंने 1 कप घी का बोला था, लेकिन मैंने सिर्फ 1/2 कप यूज़ किया था, ज़रूरत पड़े तो रख देंगे क्योंकि घी, लेकिन ऊपर मैं थोड़ा घी डालूँगी, ये असली घी है, ऊपर थोड़ा घी तो मज़े का लगे, वरना चावल जो है सारा घी खा जाता है। चलें जी, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की है रेसिपी। अच्छी लगे तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो, लाइक भी करना, शेयर भी करना। और हमने इसके साथ साथ शरबत भी रखा है, शरबत बहुत मज़े का है, इसमें मैंने फालूदा बनाया है, जिसकी रेसिपी जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने फालूदा बना के दिखाया था, मेमनों वाला फालूदा, इसमें मैंने काट के डाला हुआ है, इसमें सेवैयाँ भी डाली हैं, इसमें मेवा भी डाला हुआ है, इसमें बहुत सारे बादाम पिस्ते भी डले हुए, बहुत मज़े का शरबत है, दूध वाला है, दूध पत्ती जिसको चाय का बदले, लेकिन खाली दूध का शरबत है, इसमें आइसक्रीम भी डली हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपनी दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फालूदा दूध वाला, जिसमें जो है नट्स और अगर अगर ये फालूदा और जेली और आइसक्रीम सब चीज़ डलती है वो बनाएंगे। चलें फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है मैंने 3 कप पानी इसमें डाला है भर के पूरा, और इसको जो है मैंने 1 कप अगर अगर और फालूदे का चाइना ग्रास होता है इसको छोटे छोटे काट के इसको 2 घंटे पहले इसी पानी में 3 ग्लास पानी में भिगो के रख दिया था, वही भीगा हुआ पानी सारा इसमें पतीले में डाला और इसको पकाने के लिए रखा है। इसको जो है पकाते रहेंगे जब तक कि घुल नहीं जाएगा, 1/2 घंटा लगेगा इसको एटलीस्ट पकने में। तो अभी मैंने इसको शुरू कर दिया है, लेकिन अभी मैंने जो सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा और रखा है ताकि आप देख सकें इसके छोटे छोटे पीस, जब तक घुल नहीं जाएंगे तब तक हम इसको पकाएंगे। तो अभी मुझे 15 मिनट्स और पकाना पड़ेगा, फिर इसमें जो है मैं शुगर डालूंगी तो आपको बताऊंगी, और फिर इसके बाद मैं इसके कलर वाले पीस बनाऊंगी। ये जो अगर अगर इसको कहते हैं, ये है चाइना ग्रास,
ये चाइना ग्रास है जिसके मैंने जो है इतना हिस्सा ही काट के अंदर से रखा था, छोटे छोटे पीस रखे थे, यही आपको दिखाने के लिए रखा है। चले फिर इसको जब पक जाएगा तो आपको बताऊँ। ये जो फालूदा हमने पकाने के लिए रखा है इसकी कंडीशन देखें, अब ये बिल्कुल घुल चुका है, फिर थोड़ा बिल्कुल घुल चुका है, तो इसी स्टेज पे मैं ये चीनी डाल रही हूँ, आधा कप चीनी चली गई। ये इसमें चीनी का पानी थोड़ा सा घुल जाएगा तो इसमें दो तीन मिनट पकाने होंगे चीनी, क्योंकि ऑलमोस्ट पक चुका है, चीनी घुलेगी ना इसका थोड़ा सा पानी निकलेगा। इसको मैं घुला के फिर इसके बाद इसके चूल्हे को बंद कर दूँ। फालूदा रेडी हो चुका है, अब जो है मैं इसको प्लेटों में डाल रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने फूड कलर डाला है, फूड कलर इसमें ग्रीन कलर है थोड़ा सा पिंच ऑफ, इसमें येलो कलर है पिंच ऑफ, और इसमें जो है रेड कलर है पिंच ऑफ। अब इसमें जो ये हमारा बैटर जो बन चुका है ये मैं इसमें डाल दूंगी तो ये जम जाएगा। तो इसके जो है इसको मैं हिला के, मैंने इसमें चीनी भी आपके सामने डाली थी, अब जो तैयार हो चुका है फुल, अब इसको मैं इसमें तीनों प्लेटों में डिवाइड कर दूंगी इसका ये बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीनों चीज़ें जो है, ये हमारा फालूदा जो है, ये चाइना ग्रास ये पक चुका और ये इसमें चला गया। अब इसको जो हम इसको स्पून से मिला लेंगे तो सारा कलर जो ये जम के जो है इसके ट्राइंगल जैसे पीस बना लेंगे, वो हमारे शरबत में जाएंगे, जो आज हम फालूदा वाला शरबत बना रहे हैं इसके लिए ये स्टेप हो गया। देखो ये अभी से जमना शुरू हो गया है, ये बिल्कुल जम जाएगा। अब इसी स्पून से मैं इसको ग्रीन को मिला रही हूँ। ये इतना सा फूड कलर, फ्रेश फूड कलर लेके तीन फूड कलर डाले हैं। ये हमारा मिल चुका, अब जो है ना, और ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको सेट तीनों प्लेटों को इसी तरह रखूँगी, फिर इसके पीसीस बना के दिखाऊँगी आपको। यहाँ पर मैंने जो है स्पेगेटी की ये पैकेट जो है इसमें से एक कप इतना छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, इसको मैं बॉईल कर लूँगी, ये भी मैं फालूदे में डालूँगी। फालूदा रेडी हो गया है, देखिए फालूदा बना रहे हैं। ये दूध को मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है, तीन गिलास दूध। इसमें जो है मैं ये जूअफ़ज़ा डाल रही हूँ, इससे पहले मैंने ये सिवैया बॉईल करके रखी थी, ये स्पेगेटी, ये जो दो ग्लास में मैंने स्पेगेटी थोड़ी थोड़ी डाल दी है, बर्फ़ के पीसेस भी डाल दिए हैं। ये मैंने ज़ैफ़रान जो है 1.5 टीस्पून है, ये ऑप्शनल है, इसको मैंने वार्म दूध में 1/2 कप में मिला के रखा था, ये दूध इसमें चला जाएगा, ये इसमें डाल देती हूँ ज़ैफ़रान। अब जो है मैं इसमें रूह अफ़ज़ा डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह अफ़ज़ा जो है डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाते हैं इतना डालें। मैं 3 चम्मच डालूंगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना है तो 4 हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने जो है ना सिवैया और बर्फ़ डाल के रखा है, इसमें ये डाल देती हूँ अपना दूध। अब इसमें जो है मैंने तुखलम्मा और जिसको बोलते हैं ना, 1 चम्मच पूरा भर के भिगो के रखा था, ये डाल रही हूँ 1-1 चम्मच इसमें, बाकी शरबत में चला जाएगा हमारे जग में। ये चला गया, ये मैंने इस पर चाइना ग्रास बना के रखा था, ये भी इसमें डाल रही हूँ। ये कलरफुल काट के फिर इसको ट्राइंगल पीस बना के और ये इसमें रख दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ग्रीन भी चला जाए थोड़ा। इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ी सी आइसक्रीम डाल देंगे ऊपर से,
ये आइसक्रीम चली गई, ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये नट्स डाल देते हैं। ऊपर थोड़ी सी और ये फालूदा, इसको चाइना ग्रास बोलते हैं, थोड़ा और डाल दो, कलरफुल लगेगा। ये बहुत मज़े का फालूदा, बाजार वाला बिल्कुल जो मिलता है बंस रोड पर कराची में। ये फालूदा जो रेडी हो गया है, इसको मैंने पूरा गार्निश कर लिया, हर चीज़ डाल दी है। बहुत मज़े का फालूदा है, इसमें चाइना ग्रास गया है, इसमें बादाम पिस्ते सब चीज़ गई। आप इसको ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, और इसको इन्जॉय करना, बनाना और इन्जॉय करना। और रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। अपनी दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।